नहीं है बेटा, इसमें कोई बिस्किट नानी खा गई। रख दो वापिस, इसमें है ही नहीं। हाँ ये राम, ले 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 ले, उठा ले, मिल गया। चला के दिखा। नहीं मार मत, मुझे नहीं मार, मुझे मारने की जरूरत नहीं है विहान। नहीं 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 मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं मारना, नहीं मिलेगा, नहीं दूंगी। आराम से शांत हो जा, आज सोएंगे अब, सो जाएंगे। अच्छा 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 सो जाएंगे, सो जाएंगे। सुन ले मेरी बात। अच्छा 1 2 3 सुना दे, सुना 1 2 3 सुना दे, 1 2 3 वन सुना, वन सुना बेटा, 1 2। ये ग्रिल्ड सैंडविच था विहान, बर्गर खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा कर रहा था, तो मैंने ये ग्रिल्ड सैंडविच मंगवाया था और काफ़ी टेस्टी था। मैंने भी पहली बार ही खा के देखा है, मैं ये सब खाती नहीं हूँ, आपको पता ही है। ये मैंने चावल मंगवाए थे, ये नमकीन चावल थे, बट मैं यहाँ थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई थी। वैसे तो टेस्टी थे बट मिर्ची थी इनमें काफ़ी ज़्यादा। ये साथ में देख लीजिए, ये रायता भी था और ये खाना मैंने खाया था। रायता मैंने विहान के लिए बचा दिया था, वैसे तो हम रोज़ दही जमाते ही हैं, घर पे होती ही है दही। और ये देखिए हमारा बंदर फ्रिज के ऊपर कैसे छलांग लगा रहा है। इसको फ्रिज के ऊपर क्या रखा हुआ था, हाँ ये डिओड्रेंट रखा हुआ है ना, इसे ये चाहिए था, तो इस चक्कर में ये पूरा इसने ज़ोर लगा दिया कि मैं ऊपर से उठा के हाथ मेरा पहुँच जाएगा और मैं इसे उठा लूँगा। मैं कहा देख लो भाई, अब तो ना चीज़ ऐसे पूरी पूरा दम लगाता है, कोशिश करता है चढ़ने की। और मेरे को ना विहान जैसी थोड़ा सा डिस्ट्रेस होता है, जैसे ऐसी सिचुएशंस विहान की आती है ना जिसमें विहान परेशान होता है और रोता है, तो मुझे वीडियो ज़रूर बना के रखना है ताकि कल को मैं जैसे डॉक्टर्स के पास जाऊँ तो उनको मैं दिखा सकूँ कि देखिए ये बच्चा इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्या ये नॉर्मल है, क्या बच्चा सिर्फ ज़िद्दी कर रहा है या फिर बच्चा हाइपर एक्टिविटी कर रहा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा शूट ले लेती हूँ बच्चे का। बाकी ठीक है विहान, मुझे ही विहान को थोड़ा सा इसको बिजी रखना है एक्टिविटीज़ में। वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार है। और ये विहान ने रात को खाना खाया था, आपको पता है चावल रोटी कम खाता है, चावल ही खाता है, तो मैं रायते में के साथ घी चावल ये खिलाया था और बढ़िया खा भी लिया था। इसे ना छेड़, इसे ना छेड़ विहान। ये बहुत ये टैंक
क्या विहान बेटा, लाइट गई है ना, क्या करूं? लाइट आ जाएगी विहान बाबा, बेटा लाइट आ जाएगी, देखो 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 देखो, लाइट तो आएगी ना थोड़ी देर में, आ जाएगी आ जाएगी बेटा लाइट। बेटा लाइट है ही नहीं, लाइट है नहीं, कहाँ से ला लाऊं मैं? हाँ गत्ते से हवा करती हूँ, आजा भी हटा, आजा आजा लाइट कहाँ से जलाऊं बेटा, लाइट है ही नहीं, लाइट गई हुई है बेटा। क्या है, चीखने की जरूरत नहीं है? हाँ मेरा बच्चा, बैठो देखो नानी कर रही है ना हवा, पॉपकॉर्न बना देती हूँ। विहान जिद्दी कर रहा है, कह रहा है चीजी खानी है, घर के बने सही रहेंगे। रुक बना रही हो ना बेटा, पॉपकॉर्न्स बिल्कुल अच्छे बने, बढ़िया, बिल्कुल ना तो जले, क्योंकि मैंने आज कम कर दी थी ना, और सही बन गए एकदम बढ़िया। और ये सही है एज अ स्नैक्स, वरना नमकीन बिस्किट से तो बढ़िया ही है। थोड़े से पॉपकॉर्न्स बना दिए, बाबू को पसंद भी है, चिप्स वगैरह नहीं जाएंगे, फिर बच्चा पॉपकॉर्न्स खा लेगा। घर पे कुछ बना लो स्नैक्स भी, है ना। तो ये देखो, ये बाबू बड़ा खुश होके खा रहा है हमारा पॉपकॉर्न्स। अच्छे लगे ना विहान को, अच्छे है ना बाबू? विहान को मम्मा के जूते पसंद आ गए। ये मम्मा के हैं, पहन लिए, खुद से पहन लिए। नहीं 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 चाहिए बेटा, रख दो बस वहीं रख दो, मुझे अभी नहीं जरूरत, अभी नहीं पहनने। दे रहे हो वापस? लाओ दे दो। दूसरा भी दो, थैंक यू बेटा। अपनी साइज के पहनते हैं ना, मम्मा के जूते नहीं पहनते। मम्मा को जूते नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं नहीं, छोटा जूते। ये जूते आप पे? हाँ ये जूते बहुत अच्छा जूते, अच्छे हैं जूते, अच्छे हैं जूते। अच्छा जी, यो दूसरी में है जूते। रख दो नीचे, रखो हाथ मत लगाओ। डालो मेरे को पहना रहे हो? पहन लिया मम्मा ने? हाँ मम्मा ने पहन लिया, देखो
कल शाम को पापा जी से बात हुई, मैंने कहा पापा जी वो शोरूम वाले तो इतने रुपए की बोल रहे हैं, आप बताओ। आपने पापा जी ने भी किसी शोरूम से पूछा था, 1000 रुपए का फर्क था, कम बता रहे थे दूसरे शोरूम वाले प्राइस, मतलब ऑन रोड प्राइस, तो बोलते यहाँ से ले लेंगे, बोलते जब मैं विहान के जन्मदिन पर आऊंगा ना तब साथ में चल पड़ेंगे। फिर बाद में पापा जी ऐसे बोलते कि लेकिन, मैंने कहा पापा जी मैं तो जिम ज्वाइन करने का मेरा ड्रीम है, मैं सोचती हूँ मैं जिम ज्वाइन करूंगी, बाबू का थेरेपी छोड़ दिया करूंगी, अपना जिम चली जाया करूंगी। तो पापा जी बोलते नहीं, ऐसे इतनी दूर दूर के लिए स्कूटी नहीं है कि रोज निकालनी है या रोज लेके जानी है, ये स्कूटी तो मतलब स्कूटी व्हीकल जो भी तू लेने की सोच रही है वो तो इसलिए है कि जो नजदीक में जो कॉम्प्लेक्स है ना विहान, जो दुकान है यहाँ तक चली जाया कर रही हूँ। मैंने कहा यहाँ तक तो मैं साइकिल पे ही चली जाती हूँ, फिर यहाँ के लिए क्या स्कूटी लूँ। पापा जी बोलते इतना हाईवे है, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, इतना ट्रैफिक है, मेरी टेंशन बढ़ जाएगी, ऐसा है वैसा है। तो जब मुझे एक बात बताओ, फिर मुझे पापा जी, मेरे को पता है आप जाने तो देंगे नहीं मुझे बाहर, तो मुझे ऑटो में जाना है। बोलते यहाँ पार्क कर दिया करियो कॉम्प्लेक्स तक, तेरे को जब पैदल चलना पड़ता है स्कूटी यहाँ पार्क कर दियो, आगे ऑटो लेके चली जाया करियो मार्केट साइड। और रोज रोज ये जिम का क्या है, जिम जाना आना इस चक्कर में तू मतलब रोज निकलेगी और रोज स्कूटी पे जाएगी, मेरी टेंशन होएगी, मैं नहीं भेज सकता स्कूटी पे, मेरे को कुछ भी हो जाए पीछे से मैं कहाँ इतनी टेंशन लूंगा। तो पापा जी ने मना कर दिया, बोलते स्कूटी तो बस इतना है कि तू चलानी आ जाएगी और तू यहाँ पे लोकल चला ले, यहाँ अंदर अंदर घर मतलब लोकेलिटी में। मैं कहा इतने के लिए क्या स्कूटी लूं मैं, फिर तो बात तो वही होगी, फिर तो ये हो गया कि बस खरीद के बाहर रख सजाने वाली बात होगी, लोगों को दिखाने वाली कि मेरे पास स्कूटी है, जब चला ही नहीं पाऊंगी मैं। मुझे चलाने के लिए साफ मना कर गए कि हाँ हाईवे पे नहीं चलानी, बाहर नहीं चलानी है, मतलब इतनी सी दूरी पे, आपको पता है यहाँ से बोलते बस ये जो तेरी दुकान है ना यहाँ पे जहाँ तू सामान लाती है बस यहाँ तक चला लिया करी हूँ। मैं को एक बात बताओ, यहाँ तक तो मैं साइकिल पे ही ना चली जाऊं, ये तो रहा इतनी सी जगह के लिए क्या। तो फिर मैंने प्लान छोड़ ही दिया अभी फिलहाल के लिए। मैंने कहा अभी 5-6 महीने रुक के फिर अपना घर का ही किश्त ही भर लूं, इससे बढ़िया तो मैं अभी तो लूंगी, लेकिन अभी थोड़ा और रुक के लेती हूँ कुछ महीने और, क्योंकि अभी फिर जनवरी, और फिर मेरा एक ही मतलब जो चीजें थी ना वो भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि देखो हाँ जिम की गुड न्यूज बताती हूँ मैं। मैंने फिर ना कल क्या था, शाम की बात है, मैं जिम के लिए ना सर्च कर रही थी कि यहाँ पे जिम कौन कौन सी है, हिसार में कौन सी बेटर है, क्योंकि मेरा दिल तो था ज्वाइन करने का। तो मैंने एक जिम है उनको फोन किया, तो उनको जब फोन किया तो जो सर थे वो मुझे ऐसे बोलते हैं कि आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो जिम का, हम ऑनलाइन भी 3 सेशन लेते हैं पूरे दिन में। तो मैंने उनको पहले तो बोला कि मैंने कभी वैसे ही जिम नहीं ज्वाइन करी, मैं ऑनलाइन क्या सीखूंगी, क्या समझ आएगा। तो बोलते नहीं हम आपको अच्छे से सिखाएंगे, गाइड करेंगे। तो बोलते 1500 रुपए फीस है, 2000 है वैसे बट अभी 1500 चल रहा है डिस्काउंट करके। तो वो ऐसे बोल रहे कि ना जैसे रोज का उनका एक पर्टिकुलर सेशन होता है जैसे मान लो 45 मिनट का, और वो ऑनलाइन देते हैं, तो उसमें मैंने मोबाइल में जैसे लगा दिया, वो एक्सरसाइज करेंगे उनके साथ, हम भी करेंगे सामने बैठ के मतलब एक्सरसाइज। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो मुझे बोल रहे थे 2 डेमो क्लास देंगे, कल की बात तो हुई थी कि कल देंगे, फिर उन्होंने मेरा कल फोन ही नहीं पिक किया रात को, तो शायद आज दिन में मेरी बात हो उनसे। तो मैंने तो ना 8:30 बजे का बाबू 8:30 बजे का टाइम मुझे सूट कर रहा है रात का, तो मैं ये सोच रही हूँ कि उस टाइम में अपना जिम ज्वाइन कर लूंगी और 8:30 से घर की घर ना आना ना जाना, बाहर निकलना भी नहीं पड़ेगा। और बोलते डाइट चार्ट भी बना के देंगे, मतलब वो मुझे पता है, देखो आप लोग कहोगे कि खुद से भी हो सकता है, खुद से होना होता तो इतना टाइम हो चुका हो जाता ना, मुझसे नहीं, मुझे एक एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत है। मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज आउट कर चुकी हूँ इस टाइम बिल्कुल, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे से होगा ही नहीं, मतलब हो नहीं जाता बंदा। और जब आप एक बहुत लंबे टाइम तक वो मोटापे के साथ हो ना, तो वो लूज करना थोड़ा वो हो जाता है, आप मतलब आप समझिए ना, जैसे मेरा पेट वेट है इस तरीके का, जो बेली फैट है, जो भी मेरा एक्स्ट्रा वेट है जैसे हाथों वगैरह पे है, तो वो चीज ना मेरे अंदर ही कहीं ना कहीं दिमाग में चीज बैठ गई कि मुझसे होगा ही नहीं, वो चीज अब बैठ चुकी है मेरे दिमाग में। क्यों? क्योंकि कमेंट सेक्शन पढ़ पढ़ के, क्योंकि जब आप पब्लिक डोमेन में कोई बात बोल देते हो और वो फिर पूरी नहीं हो पाती तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। और मेरे साथ वो चीज हो चुकी है कि मैं घबराती हूँ, अब डरती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार कोशिश करी यूट्यूब पे सीरीज लाने की कि हाँ मैं वेट कम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, बट कभी कर नहीं पाई। फिर कॉमेंट्स ने मुझे में इतना सुनाया, लोगों ने इतना भर भर के सुनाया तेरे बस की नहीं, ये नहीं वो नहीं। वैसे मेरे को पता है कि बंदा पता है कोशिश, आप लोग भी क्या पता 2-3 साल से कोशिश कर रहे हो वेट लॉस की, कोई ना कोई करते ही है, लेकिन वो फिर नहीं हो पाता। लेकिन जब दुनिया के सामने दुनिया सुनाती है ना, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे हो जाते हो, तो वो चीज मेरे साथ हो रही है। तो मेरे को लगा कि अगर एक लास्ट वो होता नहीं खुद का, इंसान को तिनके का सहारा, तो मेरा सहारा है कि हाँ मैं एक एक्सटर्नल, मेरे को मतलब एक लगेगा ना कि हाँ मैं पैसे दे रही हूँ
एक होता नहीं, हम पे कर रहे हैं 1500 रुपए महीने के जा रहे हैं, तो कुछ तो रिजल्ट मिले, और थोड़ा सा खुद से एक होता है प्रेशर पड़ता है दिमाग पे, क्योंकि देखो आप भी सोचते हो जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, और डिस्टेंस एजुकेशन से इतना मन नहीं करता पढ़ने का, है ना, क्योंकि प्रेशर नहीं होता, कोई बोलने वाला नहीं है कि पढ़ो पढ़ो, तो वही चीज है। तो मैंने कहा नहीं, मैं ज्वाइन कर लूंगी, और फिर मैंने आज मैं बात करूंगी, उसके बाद एक आधा दिन डेमो क्लास लेके मैं फीस दे आऊंगी सर को, और फिर आपके साथ मैं डाइट वगैरह भी शेयर कर दूंगी, सर ने मुझे क्या डाइट दिया खाने पीने का, ध्यान रखने का। तो मुझे पता है क्या है, मैंने सोचा मेरे इस साल ना कुछ एम्स बनाए थे, और सर ने मेरे को पता है क्या बोला, मेरा हाइट और वेट पूछा, तो मैंने बताया ना मेरा वेट अभी इस टाइम 69.5 के करीब पहुंच रहा है, तो सर बोलते हैं आपका वेट 56 होना चाहिए, और उन्होंने मुझे पता है क्या बोला, आप चिंता ना करो 3 महीने में ला देंगे आपका वेट इतने पे, आप बस अच्छे से फॉलो करना हमारी डाइट और एक्सरसाइज। मैंने कहा ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ है ना मेरा कि अब तो करना है, आज से मेरी क्लास शुरू हो जाएगी, और मैं रात का टाइम इसलिए रखा है क्योंकि सुबह तो देखो बिल्कुल टाइम होता ही नहीं है, सुबह से लेके शाम तक तो मेरा यूट्यूब पे वीडियोस डालना, अपलोड करना, एडिटिंग करना, घर का काम, घर संभालना, बच्चा संभालना, ये सब में ही निकल जाता है। फिर रात को मैं मतलब क्या होता है ना, मतलब मैं रात को अगर एक्सरसाइज करूंगी 8:30 से 9:30 का टाइम, ठीक है, तो 9:30 बजे क्या होगा ना, रात को जब मैं थकी हारी हूं तो मैं 11 बजे तक सो जाऊंगी, और सोने के बाद सुबह मैं रात को सो जाऊंगी तो मेरा बॉडी को आराम मिल जाएगा, और वो जो रेस्ट मुझे मिलेगा वो सुबह मेरे को रिकवर हो जाएगा, इसीलिए मैंने सुबह का टाइम नहीं लिया, क्योंकि सुबह अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना तो आपको थकान तो होगी, आपकी बॉडी टूटेगी, है ना, एक बार रेस्ट तो चाहिए, वो रेस्ट मेरे पर टाइम नहीं है दिन में रेस्ट करने का, और फिर वो थकान थकान सा रहेगा पूरा दिन, तो उसे बढ़िया रात को करेंगे एक्सरसाइज, और फिर अगले दिन सुबह एनर्जेटिक फील करेंगे, एक्सरसाइज करके सोना ही है ना। तो मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आपके साथ मैं शेयर भी करूंगी, एक्सरसाइज जो मुझे सीख दूंगी वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी, और आप तो आप मानते हो ना कि कर लेगी निधि, है ना, अब तो मुझे भी 100% खुद पे भरोसा हो रहा है कि अगले 3 महीने में मेरी इतनी बढ़िया पर्सनैलिटी बन जाएगी ना, इतनी एक नंबर की। और बच्चे की बात है तो मैं अभी अभी मेरे को दो डॉक्टर ने बोल रखा है 2 घंटे विहान को बैठ के पढ़ाना है, तो फिलहाल मम्मी जिम्मेदारी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पास भेज दिया कर बच्चा किताबों के साथ, मैं पढ़ा दूंगी, बाकी जो उसकी थेरेपी है उसके लिए भी मैं वीडियोस रोज देखती हूँ, एक वीडियो ध्यान से देख लेती हूँ और वो फॉलो करती हूँ बच्चे के साथ, तो अभी फिलहाल घर पे पढ़ाऊंगी 2-4 महीने बच्चे को, उसके बाद अगर लगा इम्प्रूवमेंट है तो स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी, और पर अगर लगा कि नहीं मुझे करवानी है थेरेपी तो 3 महीने की थेरेपी करवा के फिर स्कूल में डलवा दूंगी, क्योंकि अभी तो मेरे को इस साल तो डलवाना भी नहीं है, अप्रैल में डलवाना है स्कूल में विहान को अगले साल, तो 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने मैं करवा लूंगी थेरेपी पहले, वो भी तब करवाऊंगी अगर लगेगा कि जरूरत है, क्या पता मैं ही सिखा दूं बच्चे को अच्छे से, है ना, इंटेलिजेंट तो है ही विहान। तो ठीक है जी, चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं इतनी लंबी करना नहीं चाहती, बट आपसे बात करते करते हो जाता है पता ही नहीं चलता। मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।